फ्रेंड्स आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम गुड़ के चावल बना रहे हैं जो कि खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और आप ये कभी भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चावल बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चावल लिए, बासमती चावल है 100 ग्राम चावल है, 3 इलायची और 2 लौंग लिए है, 100 ग्राम ही गुड़ लिया है मैंने, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, काजू और बादाम और किशमिश लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स में, 3-4 चम्मच देसी घी के और 1 कटोरी नारियल का बुरादा लिया है, आप काट कर भी नारियल ले सकते हैं। हम ये चावल कुकर में बनाएंगे तो हमने कुकर ले लिया है, गर्म होने के लिए रख दे इसको। अब इसमें 1/2 चम्मच घी डाल देंगे हम, अब इसको गर्म होने देते हैं घी को। हमारा घी गर्म हो गया है, अब मैंने इलायची और लौंग ली थी हम इसमें डाल देंगे। गुड़ के चावल खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही हेल्थी होते हैं, गुड़ तो हेल्थी होता है ज़्यादा। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे, हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे इनको, ज़्यादा नहीं करना हमको। अब हम चावल डाल देंगे, मैंने चावल को धो लिया है, चावल को भी हम भून लेंगे थोड़ा सा। मैंने ये वाली 1 कटोरी चावल ली तो हम 2 कटोरी पानी डालेंगे, चावल से डबल पानी होता है इस चावल में, तो हम 2 कटोरी पानी डाल देंगे। अब पानी में हम उबाल आने देते हैं, अब गुड़ भी इसमें डाल देंगे। अब उबाल आने देंगे ताकि गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा। हमारा पानी उबलने लग गया है चावल का, तो गुड़ भी मेल्ट हो गया हमारा। अब इसको अच्छा दिखने के लिए मैं इसमें कलर डाल रही हूँ, आप बिना कलर के भी बना सकते हैं, कलर से थोड़ा अच्छा दिख जाएगा। मैं थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ ऑरेंज वाला, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब नारियल भी इसमें डाल देंगे, नारियल को भी मिक्स कर देंगे। अब हम ढक लगा देंगे, आपके चावल जितनी सीटी में लगते हैं आप उतनी सीटी लगा ले, मेरे चावल 3 सीटी में बनेंगे तो मैं 3 सीटी लगा लूँगी, और सीटी लगा के हम ऐसे छोड़ देंगे कुकर को, ठंडा होने के बाद में खोलेंगे हम। हमने चावलों को 3 सीटी लगा लिए, हमारे चावल 3 सीटी में बन जाते हैं। अब कुकर को खोलते हैं, हमारे चावल बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम अच्छे से चावल बने हैं गुड़ के। हमारे बहुत ही कम समय में गुड़ के चावल बनकर तैयार हो गए हैं, आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं, ये आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप कभी भी मीठा खाने का मन हो जब भी बनाकर खा सकते हैं।